आज हम एकदम ही नया और अलग नाश्ता बनाएंगे जो कि बनाने में एकदम ही सिंपल है और खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 2 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा कहते हैं। इस सूजी को आप एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर हमें इसमें ऐड करना है दही। तो जितने हमने सूजी का इस्तेमाल किया था उसका आधा हमें यहाँ पर दही का इस्तेमाल करना है। तो हमने 2 कप सूजी ली हुई थी इसलिए हम यहाँ पर 1 कप दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। ध्यान रहे कि दही बहुत ज़्यादा भी खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक बैटर बनाकर रेडी करना है। लेकिन ये जो बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा होना चाहिए, तो इसलिए एकदम ही कम पानी का इस्तेमाल करिएगा। चलिए, जब तक ये बैटर बनकर रेडी हो रहा है तब तक आप मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। चले, जो सूजी का बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए। अब इस बैटर को ढक कर हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम एक स्टफिंग रेडी करेंगे। इस स्टफिंग को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 3 से 4 उबले हुए आलू। इन आलूओं को पहले हम अच्छे से ग्रेट करेंगे। आप आलू को मैश भी कर सकते हो। आलू को ग्रेट करने का फ़ायदा ये है कि इसमें आलू के बड़े बड़े लम्स नहीं रह जाएंगे। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए, आलू ग्रेट हो चुके हैं तो इनको हम रखेंगे साइड पर। अब एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में आपको लेना है 1 से 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। जीरा के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राय, और इन दोनों को हम अच्छे से चटकने देंगे। अब यहाँ पर मैंने ये 7 से 8 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है और इस कड़ी पत्ता को हम इसमें तोड़कर ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जितने अदरक, लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट, और फिर इस पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। जब ये पेस्ट एक बार अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और इस प्याज को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। चले, प्याज भी अच्छे से भुन चुका है, यहाँ पर गैस को स्लो कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको इस स्टफिंग को कितना स्पाइसी रखना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये जो गरम मसाला है ये मैंने घर पर बनाया हुआ है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और फिर सारे मसालों को मीडियम या फिर स्लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भुनेंगे। मसाले जब अच्छे से भुन जाए तब जो आलू को हमने ग्रेट करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स कर लेना है। ये जो नाश्ता हम बना रहे हैं ये बनाने में तो काफ़ी सिंपल है ही, साथ ही साथ ये काफ़ी हेल्दी भी है क्योंकि हम इसमें बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, और बस इन सारी चीज़ों को हम वापस एक बार मिक्स कर लेते हैं। चलिए, ये आलू का एकदम ही ज़बरदस्त स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है, तो आप गैस को बंद कर लीजिए और स्टफिंग को आप पूरी तरीके से ठंडा होने दें। एक बार जब ये स्टफिंग ठंडा हो जाए तब हमें इस स्टफिंग में से रोल्स बनाकर रेडी करना है। इस रोल की साइज़ को हमें बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है और ना ही बहुत छोटा बनाना है। इसकी साइज़ जो है ये एक मीडियम साइज़ के ग्लास जितनी होनी चाहिए। चलिए, इसी तरह से आपको सारे रोल्स बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के ग्लासेस का इस्तेमाल किया है, और ये ग्लास को हम अंदर से तेल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाए तो इसमें से काफ़ी आसानी से बाहर निकल पाए। इसी तरह से सारे ग्लासेस को आप तेल से ग्रीस कर लीजिएगा। अब साइड पर आपको एक बड़ी सी कढ़ाई या फिर स्टीमर का इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 ग्लास जितना पानी। फिर इसके अंदर आप कोई भी इस तरीके का एक स्टैंड या फिर रिंग रखिएगा, और फिर इसे ढक कर हम इस पानी को बॉयल होने देंगे। चलिए, यहाँ पर हमारे इस सूजी के बैटर को रेस्ट किया तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुकी है, और जिसके आप देख पा रहे हो कि सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बैटर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़े से और पानी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो जाना चाहिए, हमें इस बैटर को गाढ़ा ही रखना है। अब इस बैटर के अंदर हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना ईनो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि घर पर इनो कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब इस इनो के ऊपर हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो इनो है ये फटाफट से एक्टिवेट हो जाए, और फिर सारी चीज़ों को हम फटाफट से एक बार मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा देरी मत करिएगा वरना जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब जो ग्लास को हमने तेल से ग्रीस करके रखा हुआ था उसके अंदर हम 4 से 5 बड़ी चम्मच बैटर ऐड करेंगे। फिर जो हमने आलू का रोल बनाकर रेडी किया हुआ था वो हम इसके ठीक बीच में रखेंगे। अगर इस समय पर आपका जो सूजी का बैटर है वो पतला होता तो आलू का जो रोल है वो किसी भी एक साइड पर गिर जाता। इसके अंदर ये आलू का रोल रखने के बाद हम वापस इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। इस ग्लास को हमें बैटर से पूरा ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि फूलने के बाद इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अब इस ग्लास को आप 2 से 3 बार इस तरह से टैप करिए ताकि जो बैटर है वो अच्छे लेवल हो जाए। और अब ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे ग्लासेस को बनाकर रेडी करना है। अब साइड पर जो पानी था वो भी अच्छे से उबल चुका है, तो अब जो ग्लासेस हमने बनाकर रेडी किए हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसको ढक कर हमें इसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। चलिए इसको पका हुआ तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है, तब हम चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से कुक हो चुका है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप इसके अंदर एक टूथपिक इंसर्ट करके देखिएगा और अगर आपकी टूथपिक साफ निकलती है तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर से भी अच्छा कुक हो चुका है। अब इन ग्लासेस को आप बाहर निकाल लीजिए और इसे आप पूरी तरीके से ठंडा होने दें। यहाँ पर जल्दबाजी करके इसको ग्लास में से निकालने की कोशिश मत करिएगा वरना ये ठीक से निकल नहीं पाएगा और बिखर भी जाएगा। जब ये एक बार पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इस ग्लास की साइड पर इस तरह से चाकू घुमाना है ताकि ये फटाफट से निकल जाए। तो देखा ना आपने कि ये जो रोल है ये इस ग्लास में से कितनी आसानी से निकल चुका है। इसी तरह से बाकी सारे रोल्स को भी ग्लासेस में से आप निकाल लीजिएगा। अब इसके लिए हम एक तड़का रेडी करेंगे, जिसके लिए एक पैन में हम लेंगे 1 से 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राय और इस राय को हम अच्छे से चटकने देंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। अब यहाँ पर आप गैस को स्लो कर लीजिए और उसी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी जितनी हल्दी और फिर इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है वरना ये जल सकते हैं। फिर जो हमने आलू और सूजी का रोल बनाकर रेडी किया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम हर तरफ से इन मसालों से कोट करेंगे। इनको हमें स्लो फ्लेम पर मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। लीजिए ये हमारा एकदम ही ज़बरदस्त आलू सूजी रोल बनकर रेडी हो चुका है। ये बनाने में एकदम सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो आइए अब हम इसको कट करेंगे। ये देखने में तो काफ़ी नया और यूनिक लगता ही है, साथ ही साथ ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।